गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, अब हम स्टार्ट करते हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर सिंपल इक्वेशन, चैप्टर 4। व्हाट इज़ अ सिंपल इक्वेशन? सो इक्वेशन देयर इज़ ऑलवेज एन इक्वालिटी साइन। इक्वेशन वो होती है जिसमें इक्वल का साइन दिया हो। यहाँ पर हमारे पास एक एक्सप्रेशन है 2x + 2 इज इक्वल टू 6। तो हम देखेंगे इसमें इक्वल का साइन है, तो ये क्या है? इट्स अ इक्वेशन। ये एक इक्वेशन है, क्लियर स्टूडेंट? जिसमें इक्वल का साइन होता है वो क्या होती है? एक इक्वेशन होती है। इक्वेशन में इक्वल का साइन है, तो हम देखते हैं कि इक्वल का साइन होने से इसमें दो पार्ट हो जाएंगे, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड। तो इसकी फर्स्ट कंडीशन ये है कि जो दोनों साइड हैं वो हमेशा इक्वल होते हैं, क्लियर स्टूडेंट? नेक्स्ट, इक्वेशन हैज़ स्टेटमेंट फॉर्म एंड अ न्यूमेरिकल फॉर्म। ये जो इक्वेशन होती है, ये जो फॉर्म है इक्वेशन की, ये न्यूमेरिकल फॉर्म है। हम इसको स्टेटमेंट फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अब स्टेटमेंट फॉर्म में किस तरह से लिखेंगे? तो यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है, द सम ऑफ 3 × x + 11 = 32। क्लियर स्टूडेंट? दोबारा से सुनिए, द सम ऑफ 3 × x + 11 = 32। इट मीन्स x और 11 इन दोनों का सम, 3 × x। तो हम x का 3 times करेंगे, तो x का 3 times यानी 3x, फिर सम करना है 11 से, +11 = 32। तो हमने इस स्टेटमेंट फॉर्म को न्यूमेरिकल फॉर्म में लिख लिया, क्लियर? अभी न्यूमेरिकल फॉर्म है 5p = 20। तो हम देखेंगे इन दोनों के बीच में साइन किसका है? मल्टीप्लाई का। जब मल्टीप्लाई का साइन होता है तो हम टाइम्स यूज़ करते हैं, तो हम लिखेंगे 5 × p = 20। क्लियर स्टूडेंट? 5 × p = 20। इसी तरह से अब हम स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 4.1। देन फर्स्ट क्वेश्चन है कंप्लीट द लास्ट कॉलम ऑफ द टेबल। हमें इस टेबल का लास्ट कॉलम को कंप्लीट करना है, क्लियर स्टूडेंट? इक्वेशन दी हुई है x + 3 = 0, वैल्यू है x = 3। से वेदर द इक्वेशन इज सेटिस्फाइड, यस नो। यहाँ पर हमें इक्वेशन दी हुई है और ये वैल्यू दी हुई है x की वैल्यू 3, तो हमें इसको सॉल्व करके बताना है कि क्या इसमें x की वैल्यू इसका सॉल्यूशन है या नहीं। ये इक्वेशन 3 से सेटिस्फाई होती है या नहीं? अगर ये सेटिस्फाई है तो यस, अगर नहीं है तो नो। अब हम इसको सॉल्व करेंगे, तो सॉल्व करने का सबसे सिंपल तरीका है, जो हमें इक्वेशन दी हुई है उसमें जो x की वैल्यू पुट करनी है, हमें उस वैल्यू को पुट कर दीजिए। x + 3 = 0, x की वैल्यू 3 दी है, तो हमने लिखा 3 + 3 = 0। इट मीन्स 3 + 3 यानी 6 = 0। अब ये दोनों साइड इक्वल हैं, यहाँ पर 6 है लेफ्ट हैंड साइड में और राइट हैंड साइड में है 0, तो ये दोनों साइड इक्वल नहीं है। इट मीन्स 6 is not equal to 0। जब ये दोनों इक्वल नहीं है तो ये इक्वालिटी के साइन को शो नहीं कर रही, इट मीन्स ये इक्वेशन नहीं है। तो हम लिखेंगे द इक्वेशन इज़ नॉट अ सेटिस्फाइड, इट मीन्स ये इक्वेशन तो है लेकिन ये जो आंसर है ये इसका आंसर नहीं है। तो हम इस टेबल में लिखेंगे नो, ये इसका आंसर नहीं है, क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से इसमें सारे इस टेबल को कंप्लीट कर लेंगे। तरीका समझ आया? दोबारा से एक क्वेश्चन और सुन लीजिए, x + 3 = 0, हमें इसमें x की वैल्यू पुट करनी है 0। हम यहाँ 0 लिखेंगे, 0 + 3 = 0, 0 + 3 इट मीन्स 3 = 0। दोनों साइड इक्वल नहीं है, सो ये भी इसका आंसर नहीं है, क्लियर स्टूडेंट? इसी तरह से आपको एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 कम्प्लीट करना है। थैंक यू।